नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मदर टिंचर्स और डाइल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मदर टिंचर क्या होते हैं, सर डाइल्यूशन क्या होते हैं, मदर टिंचर और डाइल्यूशन में अंतर क्या होता है और कैसे हम पहचाने कि ये मदर टिंचर है या ये डाइल्यूशन है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा कि मदर टिंचर्स क्या होते हैं और डाइल्यूशन क्या होते हैं होम्योपैथी में। तो चलिए, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदर टिंचर्स हो गए या डाइल्यूशन हो गए, ये मेडिसिन का ही एक फॉर्म है। एक मेडिसिन मान लीजिए एकोनाइट है, एकोनाइट का मदर टिंचर भी आपको मिलेगा और अलग अलग पोटेंसी में आपको डाइल्यूशन भी मिलेंगे। इसलिए कन्फ्यूजन होता है कि मदर टिंचर क्या है और डाइल्यूशन क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मदर टिंचर नाम से आपको समझ में आ रहा है, मदर मतलब जननी, टिंचर मतलब अलग अलग टिंचर्स की जो जननी होती है, जो बेसिक चीज है। बेसिक चीज क्या है, ये मूल अर्क है। ये किसी भी मेडिसिन का मूल अर्क को हम मदर टिंचर बोलते हैं, जिससे हम डाइल्यूशंस बनाते हैं और बहुत सारे टिंचर्स बनाते हैं। मान लीजिए आपको ऑसिमम सैंग का मदर टिंचर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप ऑसिमम सैंग, मतलब हिंदी में तुलसी बोलते हैं, तुलसी को लेके आएंगे। तुलसी की जो लीव होती है उसे आप पीसेंगे और पीसने के बाद जो पेस्ट होता है उसे आप अल्कोहल में एक प्रपोर्शन में डिसॉल्व करेंगे। ENA, एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल। इस टाइप ऑफ अल्कोहल में आप, जो मेडिकल वाला अल्कोहल रहता है, उसमें आप डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद एक ड्यूरेशन के लिए आप रख देंगे। अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी मेडिसिन की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। तो जो तुलसी है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्व हो जाएगा उस ENA में, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी एब्जॉर्व हो जाएगी उस ENA में, और उसी ENA और उसी जो प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम मदर टिंचर बोलते हैं। बस आपको सिंपल समझ में आ गया, ये मूल अर्क है। अब आप डाइल्यूशन कैसे इससे बनाएंगे? तो अब सिंपली इसके दो फार्मूलाज हैं, एक तो डेसिमल फार्मूला और एक सेंटिसिमल फार्मूला। मोस्टली सेंटिसिमल फार्मूला में होम्योपैथिक डाइल्यूशन बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक रेशियो, मतलब एक ml आपको मूल अर्क रखना है ऑसिमम सैंग का, और 99 ml, मतलब 99 का रेशियो जो है वो ENA का होना चाहिए। दोनों को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक पर्टिकुलर एक विधि होती है जिसे हम सक्शन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, उसे अच्छे से मिलाया जाता है। और ऐसा मिलाया जाता है कि उसके एक एक जो नैनो मॉलिकल्स हैं वो पूरा अल्कोहल में अच्छे से वो मिल जाए, डायनामाइजेशन भी हो जाए, जिससे जो आपका डाइल्यूशन बने उसके अंदर उस मेडिसिन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज चली जाए। तो आप सक्शन प्रोसेस के थ्रू उसे अच्छे से मिलाते हैं और मिलाने के बाद 1CH ये डाइल्यूशन बनता है। अब आप 1CH से 2CH, सेम प्रोसेस है, 1% ऑफ 1CH एंड 99% ऑफ ENA, इसको मिलाएंगे तो 2CH, फिर ऐसे आप सक्शन प्रोसेस के थ्रू, डायनामाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डाइल्यूशन की बढ़ाते जाते हैं और मटेरियल प्रॉपर्टीज डाइल्यूशन की कम करते जाते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि जो मेडिसिन की सिर्फ जो डाइल्यूशन है उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और मटेरियल प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी पॉइजनस मेडिसिन का, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का उपयोग कर सकते हैं और जो उनकी पॉइजनस प्रॉपर्टी है उसे आप निकाल सकते हैं। तो डाइल्यूशन का मेन फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करता है और जो उसकी अलग जो ज़रूरत नहीं है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को वो धीरे 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 पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इसीलिए होम्योपैथी में जो मदर टिंचर्स हैं वो उन्हीं के यूज़ किए जाते हैं जो मोस्टली नॉन पॉइजनस प्लांट हैं या नॉन पॉइजनस
एलिमेंट्स हैं या सब्सटेंस है, तो उन्हीं के मदर टिंचर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और डाइल्यूशन ज़्यादा उनके फ़ायदा करते हैं जिनके पॉइजनस सब्सटेंस हैं, उनके डाइल्यूशंस बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा करते हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्टिव होती। जैसे कि मान लीजिए डाइल्यूशन जो है वो नक्स वोमिका का बहुत फ़ायदेमंद होता है, कुछला से बनती है और कुछला एक बहुत ही माइनर पॉइजनस प्लांट है, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइजनस नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट तो है ही। तो नक्स वोमिका बहुत ही इफेक्टिव डाइल्यूशन है, आप 3200 1 ml यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही लैकेसिस भी एक पॉइजनस कैटेगरी में आती है और वो भी बहुत ही बढ़िया डाइल्यूशन है। बहुत सारे आपको डाइल्यूशंस होम्योपैथी में मिलेंगे, जिनकी बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस मिलेंगे जिनके आपके डाइल्यूशंस बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और मदर टिंचर आप यूज़ नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मदर टिंचर्स मिलेंगे जिनके मदर टिंचर्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन डाइल्यूशन ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते, जैसे कि अश्वगंधा हो गया। अश्वगंधा का मदर टिंचर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और डाइल्यूशन उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। जैसे कि क्रेटेगस हो गया, क्रेटेगस का मदर टिंचर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, डाइल्यूशन उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। तो नॉन पॉइजनस कैटेगरी ऑफ प्लांट की मदर टिंचर्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और आपको अब बहुत ही अच्छे समझ में आ गया कि डाइल्यूशन और मदर टिंचर क्या है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको नीचे एक शेयर की बटन दी गई थी, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।